हेलो भाइयों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो मैं आपका दोस्त विशाल शर्मा, और आज का अपना सफ़र स्टार्ट होता है सहारनपुर से मसूरी तक है। तो आज का सफ़र का लुत्फ़ उठाते हुए देखते हैं क्या क्या सफ़र में हमें देखने को मिलेगा और कैसे रहेगा हमारा आज का सफ़र। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये पता नहीं धुआं ठंड के थे या सिगरेट के थे। चलो जो भी थे एंजॉय योर डे। सहारनपुर से एग्ज़िट करते हुए यहाँ पे जो दरगाह पड़ती है उसका नाम है नौ गजा पीर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह सब साथ में है। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जब हम यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ से ब्लेसिंग लेते हुए निकलते हैं, जिससे हमारा आगे का सफ़र अच्छे से रहे और हम भी इसी ब्लेसिंग के साथ यहाँ से क्रॉसिंग करते हैं। सहारनपुर से एग्ज़िट करते ही आपको ये हाईवे मिलेगा, और ये हाईवे चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून और आपका हरिद्वार ये सब जगह जाके मिलता है। और ये बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, और इसी हाईवे का लुत्फ़ उठाते हुए हम भी आगे चलते हैं। और अब आपसे आगे बात करते हैं, इतना आप भी सफ़र को एंजॉय कीजिए। ओके, अब सहारनपुर से थोड़ी दूर निकलते ही हाईवे पे अब यहाँ से अब हमारा लग जाता है टोल। तो टोल को हम सो क्रॉसिंग करेंगे, और बाइक का आने का एक फ़ायदा है कि टोल पे जो भीड़ होती है उस पर नहीं लगना पड़ता है, और हम यहाँ से अपना साइड से निकल लेंगे आराम से। और हमारा बाइक में यही फ़ायदा है कि टाइम का ज़्यादा इशू नहीं, थोड़ा फ्री से निकलने वाला सिस्टम। जो भैया ने साइलेंसर लगा रखा है इस बाइक में, बुलेट में, उस पर आज चला देहरादून के अंदर, सहारनपुर के अंदर चलता है। अब सहारनपुर से देहरादून जाते हुए ये बीच में पड़ता है बिहारीगढ़। यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत फेमस हैं, और जो भी लोग यहाँ से निकलते हैं जिन लोगों को यहाँ के बारे में पता है वो ज़रूर यहाँ पे रुक के पकौड़ियाँ खाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कार देख रहे होंगे, इस साइड में रुक के यहाँ पे पकौड़ियाँ ज़रूर खाते हैं, और यहाँ की वाकई में बहुत टेस्टी होती है। तो इससे आगे हम चलते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ आते रहते हैं, अपने को कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर आगे मिलते हैं। जब हम जंगल क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद हमें पड़ती है एक चौकी, और इसे पार करते ही मुंड का रास्ता होता है जो कि पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। इन सफ़र में पहाड़ों के रास्ते में थोड़ा ये होते हैं कि बुलेट वगैरह ये बाइक थोड़ी लीन करने में ना दिक्कत पड़ती है, और स्पोर्ट बाइक हो जाती है आराम से, तो इसलिए थोड़ा केयरफुली चलानी पड़ती है, थोड़ा स्पीड कम रख के। यहाँ से चक्रो तक रास्ता 106, देहरादून का 21 और मसूरी का 47 पड़ता है। रोड तो यहाँ के भी बहुत अच्छे बना दिए हैं माउंट की, बस थोड़ा थोड़ा सा अपना यहाँ पे नया हाईवे टाइप बन रहा, हाईवे ही बन रहा, और जो यहाँ पे हाईवे बन रहा है बहुत ज़बरदस्त पड़ रहा है। और यहाँ से अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा टनल, तो जो टनल है बहुत सेक्सी है, और सुनाते हैं टनल के अंदर की आवाज़।
एकदम ग्रेड रखते हैं हमारे भाई बुलेट को खास कर ये देखो इंडिया जैसे एडवेंचर और जो हम बांगलेश दो साल अब मार रहे हो तो कार से अच्छा है भैया ठेक दे रखते हैं मैं एक्सीडेंट कर दिया टर्नल में मार दी टक्कर तो सब बूम भैया रास्ते में लड़ रहे हैं फस गए दोनों के बीच में और ये मेरी दोस्ती है और मैं फिर आराम आराम से प्यार प्यार से प्यार प्यार से प्यार प्यार से निकाल लूंगा मैं ये ट्रक वाले भैया के पास से और ये वो चौकी पड़ती है। मैंने आपको चौकी दिखाने के चक्कर में तो मैं बड़ा रिक्स लिया ट्रक के बगल बगल में से निकाल ली बहुत प्यार से और ट्रक वाले भाई साहब भी बहुत अच्छे थे वो वाले नहीं चलो खाओ उन्होंने भी धीरे कर लिए मैंने भी धीरे धीरे से निकाल लूँ यहाँ से देहरादून की सीमा स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है आपका उत्तराखंड में स्वागत है। चलो अब मिलते हैं हम आपसे आगे। तो भाई ये तुम्हें लग रहा होगा एकदम रात कहाँ से होगी दिन से, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है करीबन एक घंटे हो गए हैं और मेरे GoPro की बैटरी ऑफ हो गई थी तो मैंने उसे एक घंटा रुक के चार्ज किया है और फिर मैंने अपना आगे का सफ़र मसूरी के लिए स्टार्ट कर दिया है और बीच में कुछ दिखाने का सीन हुआ तो मैं आपको दिखाता चलूँगा। तो मिलते हैं आगे ओके। ये मसूरी जाते हुए यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर पड़ता है जैसे कि आप ये देख रहे होंगे। यहाँ पे सुबह सुबह चाय का प्रसाद मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और यहाँ के मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। रात को मैं आपको ढंग से दिखा नहीं पाया, कभी दिन में आएंगे तो फिर ढंग से दिखाऊंगा ओके। मेरा पता नहीं कैसा आ रहा होगा दिखाना तो था ही आपको रास्ता फिर बोलते भैया 12 घंटे के तो बता दिया और मैं सीधे पहुँच गए तो हवा तो नहीं लगने थी इसलिए थोड़ा थोड़ा इंजॉय कर। मसूरी जाते हुए पड़ता है मैगी पॉइंट जैसे आप सभी को पता होगा और मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ बाइकें इतनी लगी हुई है गाड़ी गुड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। ये मंदिर से थोड़ी आगे चल के पड़ता है ये पॉइंट और एक ये आगे पॉइंट यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा क्राउड होता है जैसे कि आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर अधिकतर रुकते हैं। तो चलो हम तो आगे चलते हैं मिलते हैं आपसे डायरेक्ट रूम पर मसूरी में। तो फाइनली अपना मसूरी पहुंच गए हैं अपनों ने तो रूम देख लिया था एक बार आप लोगों को भी चेक करवा देते हैं। तो ये अपना छोटा सा रूम है ज़्यादा बड़ा नहीं है एक भाई अपने को मसूरी से मिल गए थे साथ ही तो हमने ये रूम ले लिया मसूरी में आके और ये अपना वॉशरूम है छोटा सा और ज़्यादा बड़ा का भी क्या करना था अपने को रात ही गुजारनी है बस ये अपना एक छोटा सा रूम और मिलते हैं अब सुबह आप सभी को ठीक है बाय गुड नाइट।